हाय दोस्तों, मैं हूँ साइरस और आज का वीडियो बड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड जो आप ट्रेवल करते वक्त लेके जा सकते हो। अभी मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, तो इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे फूड जो बहुत हेल्दी हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आपको ऐसे फूड आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस जाते हैं तो कुछ माइनर मील्स हैं आप लेके जा सकते हैं अपने साथ, खास करके अगर आप सफ़र करते हैं तब भी लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो पहला फूड है, हमेशा याद रखिए, घर का बना हुआ खाना या घर का फूड ही सबसे बेहतर है। मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप बाहर से खाना लें, खास करके ट्रेन में, बस में जब सफ़र करते हैं तो वहाँ पर खाना लेना कभी भी सही नहीं होता। और जब आप सफ़र करते हैं, सफ़र उसे जाने से पहले आप कोशिश कीजिए आप ज़्यादा अनाज ना खाएं, क्योंकि हो सकता है आपको टॉयलेट जाना पड़े और बस में दिक्कत आती है। अगर ट्रेन में भी है तो थोड़ा हाइजीन का प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से अनाज अवॉइड करें, दूध भी अवॉइड करें जाने से पहले। आप अच्छा सा फ्रूट सैलड्स वगैरह खा सकते हैं। तो नंबर वन बात करते हैं, जब आप ट्रेवल करते हो जाते हैं, खास करके मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं जाता हूँ, मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो अपने साथ मैं कुछ फूड अलग से बना के लेके जाता हूँ। तो नंबर वन जो है वो है 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड और उस पर पीनट बटर लगा लें। आप जब भी आपको वक्त मिले चाय के साथ आराम से आप खा सकते हैं। इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट है, जो कि एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। दूसरा है, आप मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट जो है कोई भी अपनी चॉइस के ले सकते हैं, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स काफ़ी रहते हैं, जिसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, हेल्दी फैट है और ओमेगा 3 है, जो कि बहुत अच्छा है आपके दिमाग के लिए। ये आप अपने टिफ़िन में डाल के लेके जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि दोस्तों, आप सैलड लेके जाएं ज़रूर। सैलड में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पनीर डाल सकते हैं, आपको कितने सारे मिनरल्स, विटामिंस और प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं पनीर डाल लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसमें एग वाइट डाल सकते हैं। एग वाइट और सैलड को मिक्स करके आप लेके जा सकते हैं, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मैं उनके लिए वो एक प्रोटीन बार आते हैं दोस्तों, जैसे ये एक योगा बार का प्रोटीन बार है। मैंने काफ़ी प्रोटीन बार यूज़ किए हैं, खास करके मेरी CPT की क्लासेस होती हैं, 3-4 घंटे की क्लास होती है, फिर 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोटीन बार लेके जाता हूँ दोस्तों। ये प्रोटीन बार जो है आपको 560 की रेंज में मिल जाएगा, जिसमें टोटल 6 आपको मिल जाएंगे। ये योगा बार का जो प्रोटीन बार है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि बिल्कुल नेचुरल है ये। इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है और इसमें कार्ब्स हैं 19 ग्राम, शुगर है 5 ग्राम और उससे भी ज़्यादा जो खासियत मुझे लगी, इसमें ओमेगा 3 भी डाला गया है, हालांकि कम है, 260 mg में दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है। इसकी मैं इंग्रेडिएंट भी देखूँ तो कोई भी ऐसी वैसी इंग्रेडिएंट नहीं है जिसमें वे कॉन्सेंट्रेट है। इसमें प्रोबायोटिक दिया गया है, फाइबर दिए गए हैं, हनी दिया गया है, फ्लैक्सीड दिया गया है, एप्पल फाइबर दिया गया है। तो मैंने आज से जितने भी प्रोटीन बार यूज़ किया, आई थिंक योगा बार इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन बार। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसमें अलग अलग फ्लेवर आते हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं इसमें अलग अलग, और इसको खाने के बाद आपका पेट भर जाता है। योगा बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप उसको खा तो लो, आपको चलो प्रोटीन भी मिल जाएगा, लेकिन एक फीलिंग सेशिएट की फीलिंग नहीं आती, पेट आपका फुल नहीं होता। इसको खाने के बाद आपको लगेगा आपने एक मील ले लिया है, तो आपका पेट थोड़ी देर के लिए भरा भरा रहेगा, जो कि सबसे बड़ी खासियत है इस बार की, जो इसको सबसे अलग बनाती है। मैंने काफ़ी प्रोटीन बार यूज़ किया क्योंकि मेरी क्लासेज होती हैं, मैं फूड नहीं कैरी करता, मैं बार प्रोटीन बार है वो लेके जाता हूँ क्योंकि इट्स हेल्दी। जो लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं वो प्रोटीन बार ले सकते हैं, ये काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो मैंने आपको बताया किस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, पीनट बटर और मल्टीग्रेन ब्रेड लेके जा सकते हैं, सैलड्स लेके जा सकते हैं, उसमें पनीर मिला सकते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे मिला सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो है दोस्तों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा। मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो काफ़ी लोग, मैंने 4-5 वीडियो टॉपिक बताए थे, उनमें से ज़्यादातर जो लोगों ने चुना कि ये वाला वीडियो चुना और उसके बाद हेयर के बारे में चुना। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि हेयर से मुतालिक उनको काफ़ी इशू हैं, उस पर वीडियो बनाएं, तो उसमें मैं जल्दी ही वीडियो आएगा, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। और बताइए क्या हालचाल है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बहुत बड़ा मैच है, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। और
अब मुझे बताएं आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी स्टोरीज डालता रहता हूँ हेल्थ से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों ने बोला सर मुझे आप कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं घर में, उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर भी मैं बनाऊंगा। फिर हर्बल टी का जो टॉपिक है उस पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा हेयर पे आ रहा, फिर उसके बाद पिंपल्स पे भी आएगा। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों कोई क्वेरी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव।